क्या आप जानते हो कि हमारे प्लैनेट अर्थ के 32 किलोमीटर ऊपर तक का एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के पूरे वायुमंडल के मास का 99% है, और आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज अपने पीछे धारियों जैसे निशान कैसे बनाते हैं? आज आप हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हो, इसलिए यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हमारे प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसे बहुत सारे गैसेस मौजूद हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं। नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर। यह जमीन के सबसे नजदीक का लेयर होता है। इसकी हाइट पोल पर 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होती है। जितने भी वेदर फिनोमेना है ना, जैसे आंधी, तूफान, सुनामी, वो सब सारे इसी लेयर में होते हैं। इसी लेयर में क्लाउड यानी बादल भी बनते हैं। नंबर 2, स्ट्रेटोस्फीयर। यह वह लेयर होता है जहां ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। एरोप्लेन्स भी इसी लेयर में उड़ते हैं। इस लेयर का टेम्परेचर -51 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, यानी यहां बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। एरोप्लेन के चलने से गर्म गर्म गैसेस जब एरोप्लेन से बाहर निकलती है ना, तो ये गर्म गैसेस इस लेयर में मौजूद वाटर वेपर को कंडेंस कर देती है, जिसकी वजह से प्लेन्स के पीछे धारियां जैसे निशान बनने लगते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह का फेनोमेना है, यह बिल्कुल उसी तरह की बात है जब आप सर्दियों में सुबह सुबह अपना मुंह खोलते हो ना, तो भाप निकलता है। नंबर 3, मेजोस्फीयर। यह पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर वाला लेयर है। यहाँ का टेम्परेचर -143 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। नंबर 4, थर्मोस्फीयर। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हमारे एटमॉस्फेयर के इस लेयर में आने पर जलकर खत्म हो जाती है। यही वो लेयर है जो एक्सरे को अब्सॉर्ब करता है, वही एक्सरे जो हमारे लिए खतरनाक है, और यह रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा रेडियो वेव कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। नंबर 5, एक्सोस्फीयर। यह लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे लो डेंसिटी वाला लेयर है। इसी लेयर में हर दिन 19,000 केजी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस में चली जाती है, यानी 19,000 केजी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर से कम हो जाती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर का मास 5.15 × 10⁻¹⁸ केजी है, जो कि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। लेकिन एटमॉस्फेयर के मास का 3/4 मास 11 किलोमीटर में ही है और 99% मास 32 किलोमीटर में ही है। आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो ना, उसे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।